हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 6:40। चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, कल भी व्लॉग नहीं बनाया था, पर गाइस आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से कंटिन्यू करेंगे डेली व्लॉगिंग। ऐसा नहीं करेंगे आप पूरा के दिन व्लॉग नहीं बना के अगले दिन बोल देना, अब आज से पूरे दिन व्लॉग बनाएंगे। क्योंकि गाइस, जिस चीज़ की टेंशन थी वो टेंशन ख़त्म हो गई है, और अब मैं जिम भी जा सकता हूँ, वॉकिंग साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की टेंशन थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। गाइस, हम पास हो गए हैं। गाइस, रिज़ल्ट आ गया है, कल ही आ गया था रिज़ल्ट। मतलब कल जब मैंने व्लॉग एंड किया था, एंड करके पोस्ट कर दिया था, कंप्यूटर बंद करके जब घूमने चले गया, लेट गया था गाइस रूम में, नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था बस फ़ोन में। जब ही हमारे मतलब क्लास का ग्रुप में, उसमें एक लड़की ने मैसेज किया था रिजल्ट्स आर आउट बोल के, फिर मैंने गूगल पर चेक कराया CBSE रिज़ल्ट 2023, तब मालूम पड़ा कि 16th में कोई आ रहा है रिज़ल्ट। तो मैंने सोचा कि वो मजाक कर रही है लड़की। तो दूसरे बच्चे ने पूछा विच वेबसाइट वगैरह वगैरह, तो उस लड़की ने डायरेक्टली फ़ोटो भेज दिया अपने मार्क्स, मतलब रोल नंबर, मार्कशीट और उसकी वेबसाइट का भी आ गया उसमें, उसका नाम भी था उसमें डिक्लेयर्ड बोल के। मैं तो शॉक हो गया गाइस। आधे मिनट एक मिनट के लिए मैं तो शॉक हुआ, बेड पे बैठे सो रिजल्ट्स आ गए, क्या होगा, कैसे बोलूँ मैं भी। फिर गाइस, मैंने बेड पे बैठ के भगवान को प्रार्थना की, मम्मी को बोला रिजल्ट्स आ गए, दुआ करो। मम्मी ने भी थोड़ा प्रे किया। दीदी का लैपटॉप खोला, गूगल खोला, रोल नंबर, आईडी, एडमिट कार्ड डाला, प्रे करते करते, और फाइनली हम पास हो गए। कम मार्क्स से पास हुए गए, इस पर पास हो गए मैथ्स और अकाउंट्स में। बस गाइस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, हालांकि थोड़ी चीज़ें चाहिए, पर एक चीज़ जो इतने महीनों से, मतलब 2 मंथ से मुझे परेशान कर रही थी, वो चीज़ फाइनली कंप्लीट हो गई है गाइस, और हम पास हो गए भगवान की दुआ से। गाइस, मतलब कल मार्क्स आने के बाद भी मैं खुश नहीं था गाइस। फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा, हालांकि थोड़े फ्रेंड्स जो, मतलब मेरा एक फ्रेंड है गाइस जो मैथ्स में थोड़ा बहुत वीक है, मेरे से भी ज़्यादा, उसको ज़्यादा है, पर भी मैंने मतलब ऐसा दुख नहीं हुआ मुझे, फील सैड फील नहीं हुआ मुझे, बस इतना कि मैं पास हो गया हूँ। हालांकि सबको मेरे से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नियरली 15-20% ज़्यादा है मुझसे मार्क्स, मतलब मैं परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, समझिए मेरे को 100% आए, 15-20% मतलब 115-120% वैसा। हालांकि सबको मुझसे 15-20% ज़्यादा है, पर भी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा फिर, छोड़ दीजिए, अब पास हो गया ना मैं, मुझे बस पास का था गाइस, पास हो गया हूँ मैं, अब कुछ नहीं चाहिए, हालांकि थोड़ी चीज़ें चाहिए, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। फिर गाइस, उसके बाद नॉर्मल दिन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, स्क्रोलिंग, सोना। हम लोग गाइस शाम में बाहर गए थे, कल रात में, मतलब मैं, मम्मी, दीदी, डैडी, भैया नहीं चले थे, हम लोग गए थे रॉयल टिफिन सेक्टर, उधर जाके ठूसा अब खाना खाया गाइस, मसाला डोसा, पाव भाजी वगैरह वगैरह, वितोरियो शेक। चलिए गाइस, जो कि एक टेंशन अब ख़त्म हो गई है, आज से हम कर सकते हैं वॉकिंग साइकिलिंग, अब कोई टेंशन नहीं रहेगी। रोज़ मेरे को सुबह उठने का यह टेंशन रहती थी गाइस मार्क्स का, पर अब वो टेंशन ख़त्म हो गई है फाइनली। अब हम 12th भी पास कर चुके हैं, आज जाना है नानी के घर, क्योंकि आज हमें लेना है सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज का फॉर्म फॉर बीबीए। यही था गाइस प्लान, तो बीबीए लेना है बस। और गाइस, थोड़ी फ्रेंड से इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं अबाउट बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि थोड़े लोगों का है गेमिंग पीसी,
तो इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं बजट में गेमिंग पीसी, जिसमें GTA 5 चल सके, फोर्ज़ा हॉरिज़ॉन 5 चल सके, रेड डेड रिडेम्पशन 2 चल सके। उतनी हाई ग्राफिक्स पे नहीं गाइस, एकदम मिनिमम पे भी रहे तो मुझे खाली खेलने से मतलब है मुझे, तो चाहे वो ग्राफिक्स हाई हो या मीडियम हो। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी तो मैं फ़ोन में खेलूँगा गाइस, उसका कुछ नहीं है। इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ, फिर घर पर बोलना भी है ना, और पार्टी का वेन्यू डिसाइड करना है, फ्रेंड्स को पार्टी देना है ना, बहुत काम है गाइस। और हाँ गाइस, आज है 13th मई, 20 मई के बाद से हमारे ड्राइविंग क्लासेस भी चालू होगी। कल ये बात हुई है घर पर, कार ड्राइविंग सीखना है गाइस। फिर मेरे बर्थडे वाले दिन लाइसेंस अप्लाई करेंगे, लर्नर लाइसेंस तो आ जाएगा, उसके 1 मंथ के बाद परमानेंट लाइसेंस आएगा विथ न्यू एक्टिवा। अब मुझे कंफ्यूज हो रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक लेना है या फिर, मैंने एक डिसाइड किया है गाइस, TVS एंटॉर्क 125 XT। क्या एक्टिवा है गाइस वो, सच्ची में गाइस दिल आ गया उस पे तो, मतलब उसकी आवाज़ एकदम कार की तरह है गाइस। फोर्ड मस्टांग स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, जो आवाज़ करती है ना वैसी एक्टिवा है। लुक्स में भी इतनी बेहतरीन है, मज़ा आ गई देखने में, और फीचर्स तो बहुत भर भर के उसके अंदर। और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो ओला S1 Pro या फिर 23 मई को एक लॉन्च होने वाली है Simple One, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है गाइस, और वही ओला S1 की 181 किलोमीटर है ऑन सिंगल चार्ज। देखते हैं अब घर वाले क्या बोलेंगे गाइस। इलेक्ट्रिक लिए तो अच्छा है गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लिए तो पेट्रोल की टेंशन नहीं रहेगी, मुझे जितना फिरना है मैं फिर पाऊँगा फ्रेंड्स के साथ, दिन में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर टेंशन ही नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक में। और पेट्रोल में तो रहेगी यार, पेट्रोल भराना है फिर 400-500 रुपये, पेट्रोल में ये टेंशन रहेगी। देखते हैं अब क्या रहता है क्या नहीं रहता है वगैरह। चलिए गाइस, फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, अब इसे पोस्ट कर दूँगा मैं एडिट करके, मतलब शेड्यूल कर दूँगा 9-10 बजे के लिए, फिर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे और आज पूरा दिन व्लॉग करेंगे। ओके, नानी के घर जाना है, इंक्वायरी करना है, मतलब नानी के घर जाके इंक्वायरी नहीं करना है, इंक्वायरी तो फ़ोन में करना है, नानी के घर तो जाना है आज। चलिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।